यूपी के बाहुबली नेताओं में उस शख्स का नाम आता है। एक समय यूपी में उसका खासा रसूख था, पूरी यूपी में उसकी तूती बोलती थी, जिसने अपराध की दुनिया से सियासत में अपना परचम लहराया। यूपी की राजनीति में वो कभी सपा की साइकिल चलाया, तो कभी बसपा के हाथी पर सवार हुआ, और कभी कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहा। लेकिन एक हत्याकांड ने उस रसूख को खत्म कर दिया और उसके सितारे गर्दिश में चले गए। 20 साल से वह जेल की सजा काट रहा था, लेकिन अब जेल से बाहर आ रहा है। राज्यपाल ने समय से पहले उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। चलिए आपको बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी की पूरी कहानी सुनाते हैं। ১৯৫৬ में जन्मे अमरमणि त्रिपाठी ने अपराध की दुनिया से राजनीति तक का सफर तय किया। अमरमणि की राजनीति में एंट्री से पहले ही उन पर हत्या, मारपीट, किडनैपिंग जैसे आरोप लग चुके थे। जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता गया, अमरमणि के नाम की गूंज लखनऊ तक सुनाई देने लगी। धीरे धीरे अमरमणि ने सियासत में अपनी धाक ऐसी जमाई कि अमरमणि सभी पार्टियों की जरूरत बन गए। लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने अमरमणि के साम्राज्य का अंत कर दिया। दरअसल साल 2003 में कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बाद उनके जीवन में ऐसा भूचाल आया कि वो उससे उबर नहीं सके। मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि वो उस समय गर्भवती थी। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली मधुमिता शुक्ला के घर में दो बदमाश घुसे, गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोपी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी को बनाया गया। उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की जांच में राजनीति से अपराध की दुनिया तक को अपने कदमों में रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया। कोर्ट में 4 सालों तक केस चला। वर्ष 2007 में सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सियासत में कदम रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी को अपना गुरु बनाया था। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की अगुवाई कर रहे थे, तो वीरेंद्र शाही ठाकुरों में अपनी पकड़ बनाए हुए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति अपने चरम पर थी। इसी दौर में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होती है और देखते ही देखते उन्होंने हरिशंकर तिवारी के खास होने का तमगा हासिल कर लिया। दरअसल हरिशंकर तिवारी को भी एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो वीरेंद्र प्रताप शाही को टक्कर दे सके। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि को 1980 के चुनाव में वीरेंद्र शाही के खिलाफ लक्ष्मीपुर, जिसे अब नौतनवा सीट के नाम से जाना जाता है, वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अमरमणि को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला। वीरेंद्र शाही ने इसके बाद भी अमरमणि को चुनाव में हरा दिया। 1985 में एक बार फिर वे लक्ष्मीपुर से चुनावी मैदान में उतरे। इस बार भी हार मिली। अमरमणि त्रिपाठी ने 2 चुनाव में हार के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया, कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। 1989 के चुनाव में उतरे और पहली बार जीत हासिल की। अमरमणि त्रिपाठी पहली बार विधायक बने। हालांकि साल 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि फिर से हारे। कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह ने अमरमणि को हराया। हालांकि वर्ष 1996 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर उतरे अमरमणि ने जीत हासिल की। हालांकि तब यूपी में भाजपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली। पार्टी में आते ही बीजेपी ने कल्याण सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री बना दिया। बाद में वे पार्टी से निकाले गए। लेकिन पूर्वांचल में अमरमणि की धमक और पकड़ बढ़ती गई। ब्राह्मण वोट बैंक के बीच मजबूत होते अमरमणि राजनीतिक दलों की जरूरत बन गए। हर सरकार में उन्हें मंत्री बनाए जाने लगा। सियासत में अमरमणि त्रिपाठी के पैर जम गए थे, लेकिन एक बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण में उनका नाम सामने आता है। दरअसल 2001 में बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे राहुल मधेसिया के अपहरण के मामले में अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया। मामला लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंजा। उस समय यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। केंद्र के दबाव के बाद राजनाथ सिंह ने पुलिस से कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि बच्चे को अमरमणि के बंगले में रखा गया था। विवाद बढ़ता देख राजनाथ सिंह ने अमरमणि को अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। बीजेपी ने अमरमणि से किनारा किया तो अमरमणि त्रिपाठी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें नौतनवा से उम्मीदवार बना दिया। 2002 में मायावती की सरकार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मायावती की सरकार बनी तो अमरमणि सरकार में मंत्री बने। इसके बाद जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2003 में अमरमणि ने भी पाला बदला और मुलायम सिंह यादव के करीबी हो गए।
अमरमणि को मुलायम ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। भले ही साल 2007 के बाद अमरमणि ने चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन उसकी राजनीतिक विरासत को बेटे अमरमणि ने आगे बढ़ाया। एक बड़े वर्ग में उनका अच्छा खासा रसूख है। गौरतलब है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा के बाद अमरमणि और उनकी पत्नी जेल में बंद थी। अब राज्यपाल के निर्देश के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।